नमस्कार, क्राइम कंट्रोल में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। 10 घंटे, 4 एनकाउंटर और 9 अपराधी गिरफ्तार। जुर्म के खिलाफ अभियान में यूपी पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। 4 जिलों में हुए एनकाउंटर में बदमाशों को मुंह की खानी पड़ी। शामली में 15,000 का इनामी इसरार पकड़ा गया तो नोएडा में इनामी शार्प शूटर तोता पुलिस के हत्थे चढ़ गया। सहारनपुर में कारोबारी को लूटकर भाग रहे 5 बदमाश धरे गए। क्राइम कंट्रोल में आज हम चारों एनकाउंटर से पर्दा उठाएंगे, साथ ही दिखाएंगे अपराध की कुछ और अहम खबरें। लेकिन उससे पहले नजर क्राइम की कुछ सुर्खियों पर। शामली में लूट के इरादे से आए बदमाश की पुलिस से मुठभेड़, 15,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, 2 पुलिसकर्मी जख्मी। नोएडा में 15,000 का इनामी शार्प शूटर एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार, डबल मर्डर और रंगदारी के मामले में था वांछित। और वाराणसी पुलिस के हत्थे चढ़े 3 युवक, कारोबारी से मांगी थी 15 लाख की रंगदारी, एक्टर बनने के लिए रची थी साजिश। अक्सर शिकायत होती है कि पुलिस गश्त नहीं करती, जुर्म होने के बाद पहुंचती है। लेकिन शामली में पुलिस ने बदमाशों को आधी रात में उस वक्त घेर लिया जब वो सराफा कारोबारी की दुकान का शटर काटकर चोरी के इरादे से आए थे। मुठभेड़ के बाद 15,000 का इनामी बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ा और आरोपी के पैर में गोली भी लगी, साथ ही 2 पुलिसकर्मी भी जख्मी हो गए। टॉर्च की रोशनी में पुलिस मकान में छिपे बदमाशों को पकड़ने की कोशिश में जुटी है। शातिर अपराधी ज्वेलरी शॉप का शटर काटकर बड़ी साजिश को अंजाम देने पहुंचे थे, लेकिन गश्त कर रही पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस को देखते ही बदमाश फायरिंग करते हुए भागे और कार छोड़कर मकान में छिप गए, जिसके बाद शुरू हुआ एनकाउंटर। शहर के अंदर एनकाउंटर लाइव, हत्थे चढ़ा 15,000 का इनामी। आधी रात को गोलियों की आवाज ने शहर में दहशत फैला दी। लोग घरों के अंदर दुबके रहे। आनन फानन में कई थानों की पुलिस ने इलाके को घेर लिया। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस को इनामी शातिर इसरान को पकड़ने में कामयाबी मिली। आरोपी खुद बयां कर रहा है कि वो 5 लोगों की हत्या के इरादे से पुलिस कस्टडी से फरार हुआ था। मुठभेड़ हुई मेरे साथ जंगल में। कहाँ पे? आज दरी सामने के जंगल में। तो कहाँ से फरार क्यों हुआ था? तो पेशी पे तो फरार क्यों हुआ? मैं मारने के खतर भागे था। किसे? 5 मारता मैं रोक दिया किसी ने, मैं 4-5 मगर मारता। कग्गे का भतीजा? हाँ जी, कग्गे का भतीजा। मैं अपराध क्यों करना चाह रहा था? ये लोग जीन नहीं देते। क्यों, क्या हुआ? पहले मेरे चाचा मरवाया, फिर मेरे बाप को गोली मारी। एनकाउंटर का ये लाइव वीडियो सदर कोतवाली इलाके का है। सराफा मार्केट में गश्त कर रही पुलिस ने कार सवार बदमाशों को रोका तो आरोपियों ने फायरिंग कर दी। कंट्रोल रूम को खबर देकर पुलिस टीम ने घेराबंदी की तो बदमाश एक खाली पड़े मकान में छिप गए। अंधेरे का फायदा उठाकर एक बदमाश भाग निकला, लेकिन शातिर इसरान पकड़ा गया। इसरान सहारनपुर के भाड़ी माजरा गांव का रहने वाला है और कुख्यात बदमाश मुस्तकीम कग्गा का भतीजा है। इसरान 7 महीने पहले जेल से पुलिस कस्टडी के बीच फरार हो गया था, जिसके बाद उस पर 15,000 का इनाम घोषित किया गया था। आरोपी लूट, हत्या और डकैती के करीब 1 दर्जन से ज्यादा घटनाओं को अंजाम दे चुका है। आरोपी को जिला अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। काफी भारी मात्रा में कारतूस इनके पास से बरामद हुए हैं। एक 4-पहिया वाहन है जो इनके पास से बरामद हुआ है, जिसमें ये आए थे, और गैस कटर और काफी सामान और सिलेंडर वगैरह भी, जिससे कि ये दुकान काटने की कोशिश कर रहे थे, वो भी इनसे मौके से बरामद हुआ। ये सहारनपुर जेल में बंद था और जेल से ये पुलिस जेल की कस्टडी से फरार हुआ था। ये करीबन 7 महीने से फरार हुआ। पूछताछ में इसरान ने बताया कि उसके पिता और चाचा की हत्या कराई गई थी, जिसका बदला लेने के लिए वो जेल से भागा था।
आरोपी के पास से 3 हथियार, कई जिंदा कारतूस और कार बरामद हुई है। घायल बदमाश और 2 पुलिसकर्मियों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी से पूछताछ कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। क्राइम कंट्रोल के लिए शामली से राहुल राणा, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। शातिर अपराधी एक कारोबारी की हत्या के इरादे से निकले थे, लेकिन पहले से अलर्ट पर होने की वजह से पुलिस से उनका सामना हो गया। पुलिस को देखते ही आरोपी बाइक मोड़कर भागने लगे, लेकिन बच नहीं पाए। पुलिस ने पीछा किया तो आरोपियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग कर पुलिस ने दोनों बदमाशों को पकड़ लिया। एनकाउंटर की यह घटना आजमगढ़ की है। सड़क पर बिखरा खून पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ की गवाही दे रहा है। बारिश के बीच खेतों में गोलियों की तड़तड़ाहट से इलाके में दहशत फैल गई। कारोबारी की हत्या के इरादे से आए बाइक सवार बदमाश पुलिस की गोली का निशाना बन गए। एनकाउंटर में दोनों बदमाश जख्मी हुए हैं। एक बदमाश को 2 गोलियां लगी हैं, जबकि दूसरे को 1 गोली लगी है। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदमाशों की गोली से 1 पुलिस का जवान भी जख्मी हुआ है। पुलिस टीम चेकिंग कर रही थी, कुछ पूर्व सूचना थी और एक व्यक्ति कल शाम पकड़ा गया था। उसने कुछ जानकारी दी थी कि किसी व्यवसायी की हत्या करने आए थे। इस पर थाना महाराजगंज की पुलिस टीम ने इनको रोका, तीनों ने गोली चलाई, जिसमें कारची को गोली लगी और पुलिस जीप पे गोली लगी। पुलिस ने पीछा किया तो ये खेतों के अंदर घुस गए और वहाँ से लगातार ये फायरिंग कर रहे थे। काउंटर फायर में जो क्रिमिनल्स हैं, इनमें 1 को 2 और 1 को 3 गोली लगी है और इनको बनारस रेफर कर दिया गया है। पुलिस को मुखबरी के जरिए कुछ बदमाशों के सरदाह बाजार की तरफ जाने की खबर मिली थी, लिहाजा महाराजगंज पुलिस ने शिवपुर मोड़ के पास चेकिंग शुरू कर दी। करीब 1 बजे बाइक पर सवार 2 युवक आते दिखे, लेकिन पुलिस को देखते ही अपराधियों ने बाइक मोड़ दी। पुलिस ने पीछा किया तो फायरिंग करते हुए शातिर खेतों में घुस गए। पुलिस ने भी फोर्स बुलाकर मोर्चा संभाल लिया। खेतों में घुसे बदमाशों का पीछा कर पुलिस ने घेराबंदी कर ली और आसपास के थानों को भी खबर कर दी, जिसके बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया। बारिश के बावजूद पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ जारी रही और दोनों बदमाश पकड़ लिए गए। घायल बदमाशों में से 1 5,000 का इनामी सुभाष पांडे है, जबकि दूसरे का नाम धर्मेंद्र पासी है। आरोपियों के पास से 2 तमंचा, पिस्टल और बाइक बरामद हुई। एनकाउंटर में जख्मी हुए पुलिसकर्मी की हालत खतरे से बाहर है, लेकिन दोनों बदमाशों को ट्रामा सेंटर वाराणसी रेफर करना पड़ा है। पुलिस के मुताबिक आरोपी सराफा व्यवसायी की लूट और हत्या के इरादे से आए थे। अभी इनसे 1 पिस्टल, 3 तमंचे और 1 बाइक बरामद हुई है और पूछताछ में सामने आया 1 दर्जन से अधिक गंभीर रूप वगैरह के मामले पर है और बाकी भी लोग पूछताछ कर रहे हैं। क्या सर इनामी है क्या? हाँ, इसमें लूट पर 1 व्यक्ति पर पुरस्कार था 5,000 रुपये। दोनों बदमाशों का लंबा आपराधिक रिकॉर्ड है। इस गिरफ्तारी को पुलिस अपराधियों के खिलाफ अभियान की बड़ी कामयाबी मान रही है। क्राइम कंट्रोल के लिए आजमगढ़ से रवि प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। अपराधियों के खिलाफ यूपी पुलिस एक्शन में है। मंगलवार का दिन अपराधियों के लिए अमंगल बनकर आया। आजमगढ़, शामली के बाद सहारनपुर में भी बदमाशों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। हाईवे पर कारोबारी से लूटपाट कर भागे बदमाशों को पुलिस टीम ने घेर कर पकड़ लिया। एनकाउंटर में 2 बदमाशों के पैर में गोली भी लगी है। अस्पताल में जख्मी हालत में पड़े दोनों शख्स कुख्यात लुटेरे हैं। पुलिस के साथ एनकाउंटर में दोनों के पैर में गोली लगी है। हाईवे पर दिन दहाड़े कारोबारी से नकदी और बाइक लूटना शातिरों को भारी पड़ गया। लूट की खबर मिलते ही एसएसपी ने पूरे जिले की नाकेबंदी के आदेश दे दिए। कई थानों की पुलिस और क्राइम ब्रांच बदमाशों की धर पकड़ में जुट गई। कुछ देर बाद ही शातिरों का पुलिस से सामना हो गया। चौतरफा गिरने पर आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, लेकिन भागने में कामयाब नहीं हो पाए। हाईवे पर गोलियों की आवाज़ ने इलाके में सनसनी फैला दी।
रात में बिहारीगढ़ थाने में सूचना आई कि एक व्यक्ति की मोटरसाइकिल और कुछ पैसे 5 बदमाशों ने लूट लिए हैं और उसके बाद लूट कर मोटरसाइकिल से भागे हैं। तो उसके सूचना के उपरांत जो है घेराबंदी की गई और सभी जगह चेकिंग लगाई जा रही थी। गागल हेरी थाना क्षेत्र में हमारी क्राइम ब्रांच की टीम और थाना गागल हेरी की टीम भी नाकेबंदी में थी, जहां यह अपराधी से मुठभेड़ हुई है। एनकाउंटर की घटना हाईवे पर दिन दहाड़े लूट की वारदात के बाद सामने आई। पुलिस कंट्रोल रूम को खबर मिली कि देहरादून हाईवे पर बाइक सवार 5 बदमाशों ने कारोबारी से बाइक और नकदी लूट ली, जिसके बाद पूरे जिले की पुलिस को अलर्ट कर दिया गया। सीमाओं की घेराबंदी की गई तो गागलहेड़ी थाना इलाके में बदमाश चौतरफा घिर गए। मुजफ्फरनगर रोड पर पुलिस ने बदमाशों को घेर लिया, जिसके बाद बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 2 पुलिसकर्मी भी जख्मी हो गए। पुलिस के जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों के पैरों में गोली लगी और वो मौके पर ही गिर पड़े। साथियों को छोड़कर भाग रहे 3 अन्य बदमाशों को भी पुलिस ने दबोच लिया। घायल छात्रों के नाम नदीम, मोबीन बताए जा रहे हैं। 2 अपराधियों को घायल हुए हैं और 5 अपराधी कुल पकड़े गए हैं। इनके पास से लूटे हुए मोटरसाइकिल और पैसे भी बरामद हुए हैं। हमारे 2 कर्मचारी भी घायल हुए हैं। सभी घायलों को जो हॉस्पिटल भेज दिया गया ताकि पूर्ण जो है चिकित्सा मिल सके, और अभी सभी लोग नॉर्मल हैं और आगे की कार्रवाई की जा रही है। कारोबारी से लूटी गई नकदी और बाइक भी बरामद कर ली गई है। घायल बदमाशों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हालात गंभीर होने पर हायर सेंटर रेफर करना पड़ा। हालांकि पुलिस ने सभी को खतरे से बाहर बताया है। गिरफ्तार शातिरों से पूछताछ कर लूट की अन्य घटनाओं का खुलासा करने की कोशिश जारी है। क्राइम कंट्रोल के लिए सहारनपुर से विकास कपिल, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने भी 15,000 के इनामी बदमाश अनित उर्फ तोता को गिरफ्तार किया। अनित उर्फ तोता पर हत्या, रंगदारी और लूट के कई संगीन मामले दर्ज हैं। आरोपी अपने 2 साथियों के साथ गांव आया था, लेकिन पुलिस को देखते ही आरोपी ने फायरिंग कर भागने की कोशिश की, तो रास्ते में क्रॉस फायरिंग कर पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। गोली लगने से घायल ये है कुख्यात अपराधी अनित उर्फ तोता। दूसरों का खून बहाने वाले शातिर आज खुद खून से लथपथ हैं। पैर पर गोली लगने की वजह से ये ठीक से चल भी नहीं पा रहा। अनिल दुजाना गैंग के इस शातिर शार्प शूटर की तलाश में पुलिस 2 साल से खाक छान रही थी। क्राइम ब्रांच और स्थानीय पुलिस को पता चला कि तोता अपने गाँव आया हुआ है। फिर क्या था, आनन फानन में गांव की घेराबंदी की गई, जिसके बाद 15,000 का इनामी बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ा। 15,000 का इनामी अनित उर्फ तोता आज अपने गांव में, जुनपद गांव में मौजूद है। उसी की चेकिंग के लिए जब टीम वहां पहुंची तो टीम पर फायरिंग हुई। क्रॉस फायरिंग में ये अनित उर्फ तोता को भी चोट आई है। हमारे भी 2 कर्मचारियों को मामूली चोट आई है। इसके अलावा 2 लोग वहाँ पर घर से भाग गए, एक मोटरसाइकिल पे फरार हुए, उनका पीछा किया गया AWHO गोलचक्कर के पास तक, वहाँ पे भी क्रॉस फायरिंग हुई है। अनित उर्फ तोता से पुलिस की मुठभेड़ सूरजपुर थाना इलाके में हुई। मुखबिर के जरिए पुलिस को तोता के बारे में जानकारी मिली थी। पुलिस के गांव पहुंचते ही तोता और उसके साथियों को भनक लग गई। पुलिस पर फायरिंग करते हुए आरोपी भाग निकले, लेकिन पीछा कर पुलिस ने अनित उर्फ तोता को धर दबोचा। हालांकि उसका साथी भागने में कामयाब रहा। पुलिस के मुताबिक तोता अनिल दुजाना गैंग का शार्प शूटर है और उसके इशारे पर ही आपराधिक साजिश को अंजाम दे रहा था। अनित उर्फ तोता 2 साल पहले उस वक्त सुर्खियों में आया था जब उसने अपने साथियों के साथ मिलकर राजकुमार और उसकी सुरक्षा में लगे सिपाही की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी थी। सरगना अनिल दुजाना अभी जेल में बंद है। मर्डर और 307 और फिरौती जैसे केसेस में ये
ये जेल जा चुके हैं। इन पे 15,000 का इनाम था, जो अपने में इनकी क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में कुछ कहता है। ये अनिल दुजाना गैंग से भी इनके शार्प शूटर बताए गए हैं। एनकाउंटर में दो सिपाहियों को भी मामूली चोट लगी है। जख्मी अनीत उर्फ तोता को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कुख्यात अपराधी की गिरफ्तारी को पुलिस बड़ी कामयाबी मान रही है, लेकिन गैंग के अन्य शूटर्स की गिरफ्तारी अभी भी बड़ी चुनौती है। क्राइम कंट्रोल के लिए ग्रेटर नोएडा से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। माया नगरी की चकाचौंध हर युवा को आकर्षित करती है। हर कोई फिल्म में सितारों की तरह चमकने की ख्वाहिश रखता है, लेकिन इस ख्वाहिश को पूरा करने की चाहत में वाराणसी में तीन युवक सलाखों के पीछे पहुंच गए। आरोपियों ने गैंग बनाया और कारोबारियों से रंगदारी वसूलने की साजिश रची, लेकिन कामयाब नहीं हुए। जाल बिछाकर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस गिरफ्त में खड़े तीनों युवकों ने रंगदारी वसूलने की शातिराना साजिश रची थी। इन तक पहुंचने के लिए पुलिस को बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। आरोपियों ने व्यापारियों और अमीर वर्ग के लोगों को फोन कर रंगदारी मांगना शुरू किया और पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी। रंगदारी से मोटी रकम कमाकर ये अपने अरमान पूरे करना चाहते थे। मुंबई जाकर हीरो बनकर पैसा और शोहरत कमाना चाहते थे, लेकिन इसके लिए इन्होंने जो तरीका अपनाया उसने इन्हें कानून का मुजरिम बना दिया। एक फिरौती मांगने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया गया है। इस गैंग के तहत एक प्लाई व्यापारी यानी वुड का काम करने वाले व्यापारी के साथ रंगदारी उससे मांगी गई थी। पुलिस ने तीन बदमाशों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। उनको झांसा देके उनको किसी एक जगह पर बुलाया गया। बुलाने के बाद इस तरह की कार्रवाई पुलिस ने की है और तीन लोगों को, जिनका नाम शिवम सिंह, अतुल मिश्रा, सौरभ शाही बताया गया है, इन तीनों लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शिवपुरी थाना इलाके में एक फर्नीचर कारोबारी से 15 लाख रुपए फिरौती मांगने का मामला सामने आने से हड़कंप मच गया, जिसमें कार्रवाई कर पुलिस ने तीन शातिर आरोपियों को तरना पुल के पास से गिरफ्तार कर लिया। लेकिन पूछताछ में आरोपियों ने वारदात के पीछे का जो सच बयां किया वो हैरान करने वाला था। इनके द्वारा इस तरह की बात बताई गई कि इस पैसे को लेकर ये लोग बॉम्बे चले जाते, जहां पर इस पैसे का इस्तेमाल ये लोग फिल्म इंडस्ट्री में भी ये लोग करने की अपनी जुगाड़ बना रहे थे। इस तरह की बात इनके द्वारा बताई गई और इससे वहाँ पर ये एज ए न्यू एक्टर अपने आप को एस्टेब्लिश करते, जैसा इनके द्वारा बताया गया। पुलिस और भी पूछताछ कर रही है। 19 जून को फर्नीचर व्यापारी विजय गुप्ता के पास एक फोन कॉल आया। कॉल करने वाले ने उनसे 15 लाख की फिरौती की मांग की तो उनके होश उड़ गए। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। झांसा देकर पीड़ित कारोबारी 5 लाख रुपए आरोपियों को देने पहुंचे, लेकिन आरोपी कारोबारी और पुलिस को गुमराह करते रहे। लेकिन लगभग 2 हफ्ते बाद आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। आरोपियों ने बताया कि वो फिरौती की रकम आपस में बांट लेते, फिर मुंबई जाकर फिल्मी दुनिया में अपनी किस्मत आजमाना चाहते थे। बड़ा फिल्म स्टार बनने के लिए रुपयों की जरूरत थी, जिसके लिए इस फिरौती कांड का षड्यंत्र रचा। लेकिन मुंबई पहुंचने से पहले ये शातिर सलाखों के पीछे पहुंच गए। इनके द्वारा शुरुआत में 15 लाख रुपए की रंगदारी जो व्यापारी है उससे मांगी गई और धीरे धीरे 15 लाख से उसको नीचे करते करते 5 लाख तक पुलिस और व्यापारी दोनों जब मिलकर बात कर रहे थे, 5 लाख तक उसको एडजस्ट कराया गया और फिर मौके पर इन्हें भेज के रंगे हाथों गिरफ्तार कराया गया। पकड़े गए युवकों के नाम शिवम सिंह, अतुल मिश्रा और सौरभ शाही है। आरोपी गाजीपुर, चंदौली और वाराणसी के ही रहने वाले हैं। पुलिस ने इनके पास सिम और मोबाइल के अलावा 3 तमंचे भी बरामद किए हैं, साथ ही 2 मोटरसाइकिल और पुलिस की एक फर्जी आईडी भी बरामद की गई है। क्राइम कंट्रोल के लिए वाराणसी से सुशांत मुखर्जी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। क्राइम कंट्रोल में अब आपको दिखाते हैं अपराध की कुछ और अहम खबरें क्राइम टॉप 10 में।
बुलंदशहर से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। दो दोस्तों ने मिलकर अपने नाबालिग दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। वारदात नगर कोतवाली इलाके की है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो पता चला कि एक तांत्रिक ने उन्हें बताया था कि अगर किसी की बलि देकर जमीन पर उसका खून डालेंगे तो उन्हें जमीन से करोड़ों का खजाना मिलेगा। जिसके बाद दोनों आरोपी अपने एक दोस्त को स्कूटर पर बिठाकर अलीगढ़ ले गए और खैर इलाके की नहर के पास धारदार हथियार से जुनैद की बेरहमी से हत्या कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। वहीं आरोपी तांत्रिक की तलाश शुरू कर दी गई है। मेरठ में सरधना इलाके का खेरवा गांव हत्याकांड से दहल उठा, जहां सड़क किनारे एक युवक का शव बरामद हुआ तो सनसनी फैल गई। शव पर गोली के निशान थे। शख्स की शिनाख्त नया गांव के रहने वाले शशिकांत के रूप में हुई। पुलिस पुरानी रंजिश में हत्या की आशंका जता रही है। वहीं परिजनों का आरोप है कि गांव में बीते साल लाला चौधरी की हत्या हो गई थी, जिसमें शशिकांत के दो छोटे भाई ऋषिकांत और सूरज नामजद हैं। ऋषिकांत कुछ दिन पहले ही जमानत पर बाहर आया है, जबकि सूरज जेल में है। शशिकांत का शव लाला के भाई कृपाल सिंह के खेत में पड़ा मिला, जिससे आशंका है कि उन्होंने ही बदले की कार्रवाई में हत्याकांड को अंजाम दिया। मेरठ में जानी थाना इलाके से भी हत्या की वारदात सामने आई है। यहां एक किसान की गला रेतकर हत्या कर दी गई। मृतक सुशील घर के बाहर सो रहा था, तभी परिजनों ने सुशील का शव देखा तो पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस पहली नजर में वारदात के पीछे रंजिश की आशंका जता रही है। गोरखपुर में एक डॉक्टर समेत तीन लोगों से रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। डॉक्टर से 20 लाख रुपए रंगदारी मांगी गई, जबकि बाकी दो लोगों से 10-10 लाख की रंगदारी मांगी गई है। रंगदारी इनामी बदमाश राम आश्रय के नाम से मांगी जा रही है। डॉक्टर शिवशंकर शाही ने फोन पर रंगदारी मांगी जाने की खबर दी। पुलिस से शिकायत के बाद भी उन्हें धमकी मिल रही है। हालांकि डॉक्टर का कहना है कि एसएसपी ने उनकी गुहार नहीं सुनी, इसलिए आईजी से मामले की शिकायत करनी पड़ी। वहीं दो अन्य लोगों से भी रंगदारी मांगने की शिकायत एसएसपी से की गई है। रंगदारी मांगने वाले को पकड़ने के लिए टीम का गठन कर दिया गया है। गोरखपुर से सहजनवा इलाके में पुलिस ने एक गिरोह को पकड़ा है। इनके पास से चोरी की करीब एक दर्जन बाइक बरामद हुई। ये गिरोह पिछले कई साल से सक्रिय था और जिले में ही वारदात को अंजाम दे रहा था। इसके बाद चोरी की बाइक को नेपाल और बिहार में बेच दिया करता था। बताया जा रहा है कि एसएसपी ने गिरोह को पकड़ने वाली टीम को 5,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की है। गाजियाबाद में दबंगों ने जमकर कहर बरपाया। मामला विजयनगर का है, जहां नशे में धुत कुछ युवकों ने गार्ड के साथ मारपीट की। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पैसे और शराब के नशे में चूर युवक कार में सवार होकर पहुंचे और जबरदस्ती सोसाइटी में घुसने की कोशिश की। सोसाइटी के गार्ड ने जब दबंगों को रोका तो उन लोगों ने गार्ड के साथ मारपीट की और उनके सिर पर तमंचा तान दिया। भदोही पुलिस ने 1 करोड़ की अफीम बरामद की है। पुलिस ने दो तस्करों को भी गिरफ्तार किया, जिनके पास से 14 किलो अवैध नशीली अफीम पकड़ी गई है। तस्कर नशे की खेप को कोलकाता से पंजाब लेकर जा रहे थे। ट्रक के हेडलाइट और केबिन में छिपाकर अफीम ले जाई जा रही थी। पुलिस ने NH2 पर गोपीगंज थाना क्षेत्र से ये बरामदगी की है। पीलीभीत में एक नाबालिग युवती को जिंदा जलाने का मामला सामने आया है। मामला पूरनपुर थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने पहले रेप की कोशिश की, फिर युवती पर केरोसिन डालकर उसे जिंदा जला दिया। युवती को हायर सेंटर रेफर किया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने आरोपी समेत 4 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की और जल्द गिरफ्तारी की बात कही। अलीगढ़ से एक सिपाही की पब्लिक प्लेस पर फायरिंग करते हुए तस्वीर वायरल हुई है। आरोप है कि सिपाही ने नशे में हुड़दंगई की और फायरिंग करने लगा। गोली चलने के बाद आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। घटना सोमवार रात की है। आरोपी सिपाही छर्रा थाने में तैनात है। हालांकि सिपाही ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज कर दिया। सिपाही का कहना है कि वो नशे में नहीं था और उसने अपनी सुरक्षा के लिए गोली चलाई। वहीं SSP ने वायरल वीडियो के आधार पर सार्वजनिक स्थान पर फायरिंग के आरोप में कांस्टेबल प्रवीण को निलंबित कर दिया और मामले की जांच की बात कही है। औरैया में एक शादी के दौरान हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। यहाँ एक शादी में पहुंची लड़की ने हंगामा कर दिया। लड़की ने खुद को दूल्हे की प्रेमिका होने का दावा किया और उसके सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। जब लड़के ने शादी से इनकार कर दिया तो लड़की ने पुलिस में शिकायत कर दी। शादी समारोह स्थल पर इस दौरान अफरा तफरी मची रही। उधर पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। 4 शहर में 4 एनकाउंटर और 9 बदमाश सलाखों के पीछे पहुंच गए। अलर्ट पर रही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और बड़ी कामयाबी हाथ लगी।
जुर्म के खिलाफ पुलिस की ऐसी कार्रवाई के बाद ही यूपी अपराध मुक्त हो पाएगा। क्राइम कंट्रोल के जरिए जुर्म से लड़ने के लिए हम आपको ऐसे ही जागरूक करते रहेंगे। आप सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।